अब हम आते हैं सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से की तरफ, लेकिन इससे पहले ये वजाहत कर दें कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े के साथ चंद दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात भी वाबस्ता हैं। मसलन सैयदना लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या, इसलिए कि ये सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे भी हैं और उनके पैरोकार भी। इसी तरह आपके साहिबजादों सैयदना इस्माइल और सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम के वाक़यात साथ साथ चलते हैं। इसकी वजह यह है कि सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 87 साल थी और सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी, जबकि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुल उम्र 175 साल हुई। इसलिए उनके वाकयात साथ साथ चलते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाते हुए इन हजरात का जिक्र साथ साथ जरूर आएगा, तो आइए शुरू करते हैं किस्सा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। साले अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया हैं, अजीमुल मर्तबत और उलुल अज़्म पैगंबर हैं। आपके वालिद का नाम तारिख था जबकि उसका लकब आजर था। आजर मदद करने वाले को कहते हैं। ये शख्स अपने कबीले के अफराद की मदद किया करता था, गमखारी करता था, इसलिए उसका लकब आजर मशहूर हो गया था। कुरान मजीद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा 73 मकामात पर जिक्र हुआ है। ये 73 मकामात 25 सूरतों में हैं और ये बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बुलंद मर्तबत होने पर दलालत करती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। आपकी पैदाइश इराक के मशहूर शहर बाबिल में हुई। ये इराक के शिमाल में वाक़े था और आज भी मौजूद है। बहुत बड़ा शहर है, उस वक्त भी बड़ी आबादी पर मुश्तमिल था। यहाँ बुत परस्ती आम हो चुकी थी। अल्लाह ताला सूरतुल अनकबूत आयत 25 में फरमाते हैं, وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا। इब्राहिम ने कहा कि तुमने जिन बुतों की परस्तिश अल्लाह के सिवा की है उन्हें तुमने अपनी आपस की दुनियावी दोस्ती के बिना पर माबूद ठहरा लिया है। मतलब ये कि वो लोग अल्लाह की इबादत बुतों को अल्लाह का शरीक ठहरा कर करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि ये मूर्तियां जिनके तुम मुजाविर बने बैठे हो क्या हैं? उन्होंने जवाब दिया, हमने अपने बाप दादों को इन्हीं की इबादत करते पाया है। अल्लाह ताला इनके बारे में फरमाते हैं, ऐ नबी, इन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना दो, जबकि उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया, तुम किसकी इबादत करते हो? कहने लगे, बुतों की। हम तो बराबर उनके मजावर बने बैठे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम उन्हें पुकारते हो तो क्या वो सुनते भी हैं, या तुम्हें नफा और नुकसान पहुंचा सकते हैं? उन्होंने कहा, ये हम कुछ नहीं जानते, हमने तो अपने बाप दादों को इसी तरह करते पाया है। मतलब ये कि ये बुतपरस्ती उन्हें वर्से में मिली थी। वो जिन माबूदों की इबादत करते थे न वो उनकी पुकार को सुनते थे न ही उनके नफा और नुकसान पर कादिर थे। इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें झिंझोड़ रहे थे, लेकिन अंधी तकलीद और बशरी अक्ल के बेकार हो जाने ने उन्हें ये सब सोचने से आरी कर दिया था। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खुसूसी रहनुमाई फरमाई थी, जैसा कि सूरतुल अंबिया आयत 51 में है, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ। और हमने इब्राहिम को पहले से हिदायत अता फरमा दी थी और हम उसे जानते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कभी एक लम्हे के लिए भी बुतों की पूजा नहीं की थी। आपने अपनी कौम को बुतों की पूजा करते देखा तो उन्हें मलामत की, एक अल्लाह की तरफ दावत दी और इस दावत की इब्तिदा उन्होंने अपने बाप से की। अल्लाह ताला सूरह मरियम में फरमाते हैं,
اے نبی کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، بے شک مجھے وہ علم عطا ہوا ہے جو تمہیں حاصل نہیں، اس لیے میری اطاعت کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ان بتوں کی عبادت گویا شیطان کی عبادت ہے، اس لیے آپ نے ان معبودوں کو شیطان سے تعبیر کیا۔ فرمایا، اے میرے باپ، بے شک مجھے خوف ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے، پھر تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ باپ نے ان کی بات سن کر کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ البتہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور تو مجھ سے ایک مدت تک دور ہو جا، یعنی مجھ سے اتنا دور ہو جا کہ کبھی مجھے نظر نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ پر نرمی اور مہربانی کرتے ہوئے ان سے کہا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ لیکن جب بعد میں ان پر واضح ہو گیا کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اس سے بے تعلق ہو گئے۔ سورہ توبہ آیت 114 میں اللہ فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهِ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ اور ابراہیم کا اپنے والد کے لیے بخشش طلب کرنا ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بڑے نرم اور تحمل والے تھے۔ کسی ایماندار کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرے، بلکہ مومن پر حرام ہے کہ وہ کسی کافر یا عیسائی وغیرہ کے لیے مغفرت طلب کرے یا اس سے یہ کہے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر تم اس دعوت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آئے اور اس سے کہنے لگے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، اس لیے کہ آپ اپنے والد پر بے حد مہربان تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ابراہیم علیہ السلام پر بے حد مہربان تھے، اور آپ کا لقب خلیل الرحمن رکھ دیا گیا۔ خلت محبت کا وہ انتہائی درجہ ہے جس کے ساتھ دل محبت سے بھر جاتا ہے، یعنی وہ بہت سے لوگوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو محبوب تھے۔ والد کے سخت جواب کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا، میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کو بھی چھوڑتا ہوں، میں اپنے رب کو پکاروں گا، مجھے امید ہے میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ آپ اللہ کے پیارے اور پسندیدہ نبی تھے۔ جب آپ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اس وقت آپ نوجوان تھے، آپ کی عمر 16 سال تھی۔ ساتھ میں آپ اس بات پر غور و فکر بھی کرتے کہ آخر یہ لوگ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں۔ آپ کا دل ان کے شرک پر بہت کڑتا۔ آخر آپ نے مصمم ارادہ کر لیا کہ اس شر اور فساد کی جڑ کو کاٹ کر رہیں گے، یعنی ان بتوں کو توڑ کر رہیں گے۔ آپ اپنی قوم کو بتوں کو توڑ دینے کی دھمکی دیتے رہے۔ اس دھمکی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء آیت 57 میں کیا ہے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اور اللہ کی قسم، میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا جب تم پیٹھ پھیر کر جا چکے ہوگے۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے پوشیدہ نہیں اعلانیہ کہی تھی۔ آخر انتظار کا وقت ختم ہوا، عید کا دن آ پہنچا۔ عید کے دن وہ لوگ صبح سویرے گھر سے نکلنے سے پہلے کھانا پکا کر اپنے معبودوں کے سامنے رکھتے تھے، پھر شہر سے باہر ایک میدان میں جمع ہوتے۔
वहां खेलते कूदते खुशियां मनाते नाच से चलते फिरते और खाना खाते शाम को घरों की तरफ आते सुबह बुतों के पास जो खाना रख गए थे उसको उठाते और तबर्रुक समझकर खा जाते। अपने मामूल के मुताबिक उन्होंने ईद की तैयारी कर ली लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार न हुए इसलिए कि वो तो उनके साथ जाने का इरादा ही नहीं रखते थे। वो लोग जाने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे क्या आप हमारे साथ नहीं जाएंगे। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ निगाह की और फरमाया मैं बीमार हूं। ये तमाम वाकया सूरतुल अंबिया आयात 51-58 में बयान हुआ है। यकीनन हमने इब्राहिम को पहले से हिदायत फरमा दी थी और हम उसे जानते थे जबकि उसने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि ये मूर्तियां जिनके तुम मुजावर बने बैठे हो क्या हैं? सब ने कहा हमने अपने बाप दादों को इन्हीं की इबादत करते पाया है। आपने फरमाया फिर तो तुम और तुम्हारे बाप दादा सभी यकीनन खुली गुमराही में मुब्तला रहे। कहने लगे क्या आप सचमुच हमारे पास हक लाए हैं या यूं ही मजाक कर रहे हैं। आपने फरमाया नहीं नहीं दर हकीकत तुम सबका परवरदिगार तो वो है जो आसमान और जमीन का मालिक है जिसने इन्हें पैदा किया है। मैं तो ऐसी बात का गवाह और कायल हूँ और अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे इन माबूदों का इलाज तुम्हारी गैर मौजूदगी में करूंगा। बस उसने उन सब के टुकड़े कर दिए अलबत्ता सिर्फ बड़े बुत को छोड़ दिया ये इसलिए किया कि वो सब उसकी तरफ लौटे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों के साथ ईदगाह जाने से इनकार किया और उज्र पेश किया कि वो बीमार हैं। वो लोग आपको छोड़कर चले गए। बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन बुतों के पास गए देखा कि उनके सामने खाना पड़ा है। चूंकि सब लोग खाना लाए थे इसलिए ये खाना बहुत ज्यादा था लेकिन उन झूठे माबूदों ने उसे खाना तो दरकिनार उसको छुआ तक न था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुखातिब करके कहा ये इतना खाना तुम्हारे सामने पड़ा है तुम इसको खाते क्यों नहीं तुम्हें क्या हो गया कि बात तक नहीं करते। फिर पूरी कुव्वत से दाएं हाथ से कुल्हाड़ा मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया ताकि सब उसी की तरफ रुजू करें। तमाम छोटे बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ा उस बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। मुशरिकीन मेले से लौटे तो देखा उनके सारे माबूद औंधे मुंह टूटे फूटे पड़े हैं। उनके तमाम माबूदों को तोड़ दिया गया था। वो हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया किसने किया। कहने लगे ये काम किस जालिम का है उसने हमारे माबूदों की तौहीन की है। उस वक्त जिन लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो कलाम सुना था उन्हें उनका ख्याल आ गया। कहने लगे वो नौजवान जिसका नाम इब्राहिम है उसे हमने अपने बुतों की मजम्मत करते सुना है। अल्लाह की कुदरत कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मकसद था वो खुद ब खुद पूरा हो रहा था। कौम के लोग मशवरा कर रहे थे कि सबको जमा करो और उसे बुलाओ फिर उसे सजा दो। चुनाचे तमाम आहले बातिल छोटे बड़े जमा हो गए कार्रवाई शुरू हो गई। कहने लगे ए इब्राहिम हमारे माबूदों के साथ ये लगभग हरकत तूने की है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया ये काम तो इस बड़े बुत का है मुझसे क्यों पूछते हो तुम अपने माबूदों से क्यों नहीं पूछ लेते कि उनके टुकड़े किसने उड़ाए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर वो सब सोच में पड़ गए फिर कहने लगे हमने बड़ी गलती की अपने माबूदों के पास किसी को हिफाजत के लिए नहीं छोड़ा। इस कदर वाजह बात महसूस करके भी वो जालिम ईमान न लाए बल्कि शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला और उन्होंने गौर व फिक्र करके कहा ए इब्राहिम क्या तुम्हें इल्म नहीं ये तो बेजुबान है ये बोल नहीं सकते। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तब फिर तुम अल्लाह के सिवा उस चीज की इबादत करते हो जो तुम्हें कुछ भी नफा न दे सके और न नुकसान पहुंचा सके। ताज्जुब है तुम पर और उन पर भी जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो क्या तुम में बिल्कुल अक्ल नहीं। इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन पर हकीकत खूब अच्छी तरह वाजे कर दी। उनसे फरमाया तुम उनकी पूजा करते हो जिनको तुम खुद तराशते हो यानी उनका हाल तो ये है कि तुमने उनको खुद अपने हाथों से तराशा और उनकी इबादत करने लगे जबकि तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुई चीजों को अल्लाह ही ने पैदा किया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़े की मदद से
उन सब बुतों को तहस नहस कर दिया था। ये इस बात की वाज़े तरीन निशानी थी कि ये बिल्कुल बेबस हैं। लेकिन इस वाज़े निशानी के बावजूद वो अपने कुफर ही पर डटे रहे और लगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को धमकियां देने। قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم कहने लगे इसके लिए एक आतिशकदा बनाओ और इसे इस दहकती आग में डाल दो। फिर उन लोगों ने एक चटियल मैदान का इंतखाब किया जहां मिट्टी नाम की कोई चीज नहीं थी। उस मैदान को पत्थरों की बार के साथ घेर दिया गया। फिर सब लोगों को हुक्म दिया गया कि वो लकड़ियां जमा करके उस घेरी हुई जगह में रखें। चुनाचे सब लोग लकड़ियां जमा करके वहां लाने लगे। यहां तक कि औरतों और बच्चों ने भी इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैदान में इतनी लकड़ियां जमा हो गईं कि जमीन नजर नहीं आती थी। ये लकड़ियां जमीन पर एक ऊंची दीवार महसूस होती थी। फिर इन लकड़ियों को आग लगाई गई। जब आग के शोले आसमान से बातें करने लगे तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए एक झूला तैयार किया। इसमें सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रखा गया। उस वक्त आपने ये दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। ये कलिमा हर मोहताज और मुसीबत जदा को पढ़ना चाहिए। बुखारी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त फरमाया था जब उन्हें आग में फेंका जाने लगा था। मतलब ये कि हम अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं, उसके सिवा हमारा किसी पर भरोसा नहीं। बाज़ रिवायात में ये भी है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, ए इब्राहीम, कोई हाजत है तो मैं हाजिर हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम अपनी मर्जी से आए हो तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। एक दूसरी रिवायत में है कि बारिश के फरिश्ते ने हाजिर होकर कहा था, ए इब्राहीम, मुझे हुक्म दीजिए, मैं बारिश बरसाकर इस आग को बुझा दूं। लेकिन ऐसी तमाम रिवायात ज़ईफ हैं। यूं भी अल्लाह का हुक्म उनसे पहले काम करने वाला था। अल्लाह ताला सूरह अंबिया आयत 69 और 70 में फरमाते हैं, قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ हमने कहा, ए आग इब्राहीम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। गोनहों ने इब्राहीम का बुरा चाहा, लेकिन हमने उन्हें ही नुकसान पाने वाला कर दिया। चुनाचे जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वो ठंडी हो गई। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, अगर अल्लाह ताला आग से ये ना फरमाते कि सलामती वाली ठंडी हो जा तो वो इस कदर सर्द हो जाती कि उसकी ठंडक से तकलीफ महसूस होती। गोया आग भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं जला सकती, छुरी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं काट सकती, इसलिए कि ये भी अल्लाह की मखलूक हैं और उनकी कुदरत भी अल्लाह के पास है। वो चाहे तो उनको कुदरत अता कर दे, चाहे तो कुदरत वापस ले ले। आग को ठंडा होने का हुक्म हुआ, वो ठंडी हो गई। उसने न इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कपड़े जलाए, न जिस्म के किसी हिस्से को कोई नुकसान पहुंचाया, सिर्फ वो रस्सियां जलाई जिनसे आपको बांधा गया था। सुभान अल्लाह। लोग आग के गिर्द इस इंतजार में खड़े थे कि जो ही उन्हें आग में फेंका जाएगा वो जलकर राख हो जाएंगे, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नाज से आग के दरमियान बैठे हैं। बाज रिवायात में है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, मुझे उन दिनों जो राहत और सुकून हासिल था वैसा आग से निकलने के बाद नहीं हुआ। लोग इस मौजज़े को देखकर हैरत ज़दा थे। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से निकले। इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बावजूद लूत अलैहिस्सलाम के सिवा कोई शख्स पूरे बाबिल शहर से उन पर ईमान न लाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फआमना लहू लूत, बस इब्राहीम पर लूत ईमान लाए। मतलब ये कि पूरी बस्ती से लूत अलैहिस्सलाम थे जो आप पर ईमान लाए थे, बाकी तमाम लोग कुफर ही पर डटे रहे।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनका रवैया देखकर नाउमीद हो गए कि इससे बढ़कर ये कौन सा मौजजा देखना चाहते हैं। उनके बुतों को तोड़ दिया गया, अपनी आंखों से अल्लाह की निशानी उन लोगों ने देखी, फिर भी ये ईमान नहीं लाए, चुनाचे आपने वहां से हिजरत का इरादा फरमा लिया। उस वक्त बाबिल पर नमरूद नामी बादशाह की हुकूमत थी। कहा जाता है कि जमीन के बेशतर हिस्से पर इसी की हुक्मरानी थी। जब उसके पास ये खबरें पहुंची कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया लेकिन आग ने उन्हें नहीं जलाया, तो उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वहां लाया गया। नमरूद ने उनसे उनके रब के बारे में सवाल किया। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 258 में फरमाते हैं, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ। क्या तूने उस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहिम से उसके रब के मुतालिक झगड़ा किया इसलिए कि अल्लाह ने उसे सल्तनत दी थी। एक रिवायत में है कि चार बादशाहों ने जमीन के बेशतर हिस्से पर हुक्मरानी की है, उनमें से एक नमरूद है। नमरूद अपने वक्त का हाकिम व बादशाह था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब उसकी अल्लाह ताला के बारे में बातचीत हुई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। जवाब में उसने कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। चुनाचे उसने हुक्म दिया कि जेल से दो आदमियों को ले आओ। जेल से दो ऐसे आदमियों को लाया गया जिनके लिए सजाए मौत का फैसला हो चुका था। उसने उनमें से एक के कत्ल का हुक्म दिया, दूसरे को मुआफ कर दिया। इससे उसने ये साबित करना चाहा कि वो भी जिंदा कर सकता है और मौत दे सकता है, और कहने लगा, देख लो मेरे हुक्म से लोग मरते हैं और मेरे हुक्म से उन्हें जिंदगी मिलती है। इसकी बात सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गौर किया कि अगर वो इससे मौत और हयात के बारीक फलसफे पर बहस करेंगे तो नमरूद का मकसद पूरा हो जाएगा और मेरा मकसद पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए बहसो मुबाहसे की बजाय कोई मजबूत दलील पेश कर दी जाए ताकि हक व बातिल के दरमियान फर्क वाज़े हो जाए। चुनाचे आपने फरमाया, बेशक अल्लाह सूरज को मशरक से लाता है, तू उसको मगरब से ले आ। काफिर बादशाह ये सुनकर मबहूत रह गया, उसका सर झुक गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तब वो काफिर हैरान रह गया और अल्लाह ना इंसाफों को सीधी राह नहीं दिखाता। इन तमाम बातों के बाद नमरूद को ये मालूम करने की जरूरत नहीं रही कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से कैसे निजात पा गए, क्योंकि हकीकत उस पर आश्कार हो चुकी थी। वो जान गया था कि असल मामला क्या है। चुनाचे उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, आप इस मुल्क से निकल जाइए, हम आपको यहाँ नहीं रहने देंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इराक को खैरबाद कहा और शाम की तरफ हिजरत कर गए। यहाँ आकर वो हर्रान नामी बस्ती में मुकीम हुए। इसी जगह आपने अपने चचा हारान की बेटी सैयदा सारा अलैहिस्सलाम से शादी की। अल्लाह ताला इस हिजरत के बारे में फरमाते हैं, وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ। اور ہم اسے یعنی ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے آئے جس میں ہم نے جہان کے لیے برکت رکھی تھی۔ جب آپ حران کے مقام پر پہنچے تو وہیں ٹھہر گئے، وہیں رہنے لگے۔ یہاں آ کر آپ کا شمار بنو حران میں ہونے لگا۔ آپ لوگوں کو اسی شہر میں رہنے کی دعوت دیتے۔ اس شہر کے لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ ستاروں کو پوجتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو ارادہ کر لیا کہ ان لوگوں کو بتائیں گے کہ ستاروں کی عبادت کرنا باطل ہے۔ یہ لوگ چونکہ نجوم پرست تھے اس لیے ان کی عبادت کا وقت رات کو ہوتا تھا، اور یہ لوگ رات کے وقت عبادت کرتے تھے کیونکہ ان کے معبود یعنی ستارے رات ہی کو طلوع ہوتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام انہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ان چیزوں کی عبادت باطل ہے ایک دن ان کے ساتھ نکلے۔ اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے تو ابراہیم علیہ السلام نے چاند، ستاروں، سیاروں اور آسمان و زمین کی سلطنت کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے تمام پردے ختم کر دیے جو عام طور پر لوگوں کی آنکھوں پر ہوتے ہیں،
और उन्होंने वो कुछ देखा जिसे आज की रसद गाहें भी नहीं देख सकती। अल्लाह ताला सूरतुल अनआम आयत 75 में फरमाते हैं, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ। और इसी तरह हमने इब्राहिम को आसमान और जमीन की सल्तनत का मुशाहदा करा दिया ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। बाज मुफस्सरीन ने लिखा है कि ये सब कुछ अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसलिए दिखाया था कि वो सितारों की परस्तिश करते थे। फिर अल्लाह ताला ने अपनी इबादत की तरफ उनकी रहनुमाई फरमाई। जिन मुफस्सरीन ने यह बात लिखी वो गलती पर हैं, क्योंकि एक जलीलुल कद्र रसूल के मुतालिक ऐसा गुमान करना कबीरा गुनाह है। आसमान और जमीन की सल्तनत और दीगर मौजजात दिखाने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, आसमान और जमीन की पैदाइश यकीनन इंसान की पैदाइश से बहुत बड़ा काम है। अल्लाह ताला एक दूसरे मकाम पर फरमाते हैं, आसमान और जमीन में बहुत सी निशानियां हैं जिनसे ये मुंह मोड़ कर गुजर जाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हरान शहर के सितारा परस्तों को लेकर एक रात निकले। अचानक एक सितारा तुलू हुआ, उसकी चमक दमक बहुत थी, शक्ल सूरत के लिहाज से भी बहुत खूबसूरत था। उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बतौर मजाक कहा, ये मेरा रब है। लेकिन जब वो सितारा कुछ देर बाद छुप गया तो कहने लगे, ये तो गुरूब हो गया, ये रब कैसे हो सकता है? जो छुप जाए वो रब नहीं हो सकता, बस मैं तो गुरूब होने वालों को पसंद नहीं करता। अगले रोज वो फिर इन लोगों को साथ लेकर निकले तो चांद को देखा, ये शक्ल सूरत में सितारों से कहीं ज्यादा खूबसूरत था, रोशन था, लेकिन ये भी गुरूब हो गया। तो इब्राहिम कहने लगे, अगर मुझे मेरे रब ने हिदायत न की तो मैं गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊंगा। ऐ अल्लाह, तू कहाँ है? अपनी तरफ मेरी रहनुमाई कर। इन बातों से इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन लोगों को गौर व फिक्र की दावत दे रहे थे ताकि वो गौर करें, आखिर रब छुप कैसे सकता है? अगर चांद रब है और दिन के वक्त किसी को अपने माबूद की हाजत होगी तो वो क्या करेगा, लिहाजा चांद किसी सूरत रब नहीं हो सकता। फिर जब दिन चढ़ा और सूरज तुलू हुआ तो कहने लगे, ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। फिर लोगों को मुखातिब करके कहने लगे, तुम रात को छोटे छोटे सितारों की पूजा करते हो, क्यों ना तुम इतने बड़े एक ही रब की पूजा कर लो। लेकिन जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे, यकीनन मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ, ये माबूद कैसे हो सकते हैं? इनमें तो तब्दीली आती रहती है, कभी तुलू होते हैं कभी गुरूब होते हैं, ये इस बात की दलील है कि ये मखलूक हैं और इनका खालिक कोई और है जिसके हुक्म के ये ताबे हैं। जब ये खुद मखलूक हैं और किसी और के ताबे हैं तो किसी को नफा नुकसान पहुंचाने पर किस तरह कादिर हो सकते हैं? फिर अपनी कौम को मुखातिब करके कहने लगे, मैं अपना रुख उसकी तरफ करता हूँ जिसने आसमानों को यकसू होकर पैदा किया, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। अब भी वो अपनी बात पर अड़े रहे, तब आपने फरमाया, तुम मुझसे अल्लाह के बारे में झगड़ रहे हो, मुझे तो अल्लाह राह दिखा चुका है और उसने मुझे दलील अता फरमाई है। मैं यकीनन जानता हूँ कि तुम्हारे तमाम माबूद बेबस और बेताकत हैं, जाओ तुमसे और तुम्हारे इन माबूदों से जो हो सके कर लो, मेरे रब की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे रब ने हर चीज के इल्म को अपने घेरे में ले रखा है, क्या फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करोगे? और मैं तुम्हारे माबूदों से खौफ क्यों खाऊं? तुम अल्लाह से नहीं डरते? उनको अल्लाह का शरीक ठहरा रहे हो, अल्लाह ने इसकी कोई दलील नाजिल नहीं की। अगर तुम में सही इल्म है तो तुम ही बतला दो कि हम दोनों जमातों में से अमन का ज्यादा हकदार कौन है। अमन उन्हीं के लिए है जो ईमान लाने के बाद दीन को शिर्क से खल्त मल्त नहीं करते। हकीकत में हिदायत याफ्ता वही लोग हैं, यही हमारे वो दलायल थे जो हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के मुकाबले में अता किए थे, और हम जिसे चाहे मर्तबे में बढ़ा दें, बेशक तेरा रब बड़ी हिकमत वाला है। उन लोगों ने फिर भी कुफर ही किया, कोई भी ईमान न लाया। चुनाचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर हिजरत की और मिस्र जा पहुंचे।
मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है, वो बहुत ज्यादा हसीन और जमील है। चुनाचे उस जालिम ने अपने कारिंदों को भेजा कि उस औरत को मेरे पास ले आओ, साथ ही उससे पूछना कि तुम्हारे साथ जो आदमी है वो कौन है, अगर वो उसका खावंद हो तो उसे कत्ल कर देना। उधर बादशाह ने अपने कारिंदों को हुक्म दिया, इधर अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेज दी। उन्होंने सारा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर वो तुझसे मेरे बारे में पूछें तो बता देना तुम मेरी बहन हो। फिर सारा से बोले, ए सारा, रूए जमीन पर मेरे और तेरे सिवा कोई मोमिन नहीं, यानी ये काफिरों की सरजमीन है, यहाँ कोई मोमिन नहीं, इस लिहाज से तुम मेरी दीनी बहन हो। फिर बादशाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पेश करने का हुक्म दिया। उसने आपसे पूछा, ये औरत कौन है? आपने फरमाया, ये मेरी बहन है। इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में तीन मौके ऐसे आए कि उन्होंने अल्लाह के दीन की हिमायत और मुदाफात के लिए तौरिया किया। तौरिया का मतलब ये है कि वाकया कुछ और हो लेकिन कोई शख्स किसी खास मसलहत की वजह से उसे दो मानी वाले अल्फाज के साथ इस अंदाज में बयान करे कि सुनने वाला उस वाकया को न समझ सके बल्कि उसका जहन खिलाफ वाकया चीज की तरफ मुंतकिल हो जाए। शरीयत ने बाज मखसूस हालात में इसकी इजाजत दी है। वो तीन मौके जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौरिया फरमाया उनकी वजाहत कुछ इस तरह है। एक ये कि आपने मेले पर न जाने की गरज से उन लोगों से कहा था कि मैं बीमार हूं। दूसरे मौके पर यह फरमाया था, ये काम इस बड़े सरदार बुत का है। तीसरे, सारा अलैहिस्सलाम को दीनी बहन करार दिया। उस जालिम बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को अपनी तहवील में ले लिया। जब सारा अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि वो एक बदकार शख्स है तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह, तुझे मालूम है मैं तुझ पर और तेरे नबी पर ईमान लाई हूँ और अपने जिस्म को अपने खावंद के सिवा हर एक से महफूज रखा है, लिहाजा आप इस काफिर को मुझ पर मुसल्लत न कीजिएगा। चुनाचे उस काफिर बादशाह ने जब सैयदा सारा को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ शल हो गया और अपनी जगह पर जम गया। वो लगा चीख पुकार करने, उसमें इतनी ताकत न रही कि अपने हाथ को हरकत दे सके। उसकी आवाज सुनकर उसके मुहाफिज भागे हुए आए, उन्होंने उसके हाथ को छुड़ाना चाहा लेकिन छुड़ा न सके। उसकी ये हालत देखकर सैयदा सारा खौफजदा हो गई। उन्होंने सोचा, अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे इसे मैंने कत्ल किया है। चुनाचे उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि इसे छोड़ दिया जाए। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली, उसका हाथ ठीक हो गया। लेकिन वो जालिम फिर भी न डरा, उसने एक बार फिर आपकी तरफ हाथ बढ़ाया, उसका हाथ फिर शल हो गया। सैयदा सारा ने फिर दुआ की, वो दोबारा ठीक हो गया, वो फिर भी बाज न आया। तीसरी बार फिर उसने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, इस बार भी उसका हाथ शल हो गया। अब वो सैयदा सारा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, अब की बार अगर तू मुझे इस मुसीबत से नजात दिलाएगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा और कभी तेरे आड़े नहीं आऊंगा। चुनांचे सैयदा सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, वो ठीक हो गया। तब उसने अपने कारिंदों को आवाज दी और उनसे बोला, तुम मेरे पास किसी इंसान को नहीं बल्कि सरकश जिन को लाए हो। फिर उसने उन्हें रिहा कर दिया, इज्जत व इकराम से रुखसत किया और उनकी खिदमत के लिए अपनी बेटी हाजरा को साथ कर दिया। सारा अलैहिस्सलाम वापस लौटी तो देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज के बाद उन्होंने पूछा, सारा, उसने तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया? सैयदा सारा अलैहिस्सलाम ने सारा वाकया सुना दिया। सुनकर आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बोले, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे बल्कि वापस जाएंगे। चुनाचे आप एक बार फिर फिलिस्तीन में आ गए, वहीं अपनी जिंदगी बसर करने लगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आप फिलिस्तीन में मुस्तकिल तौर पर रिहाइश पजीर हुए तो लूत अलैहिस्सलाम भी आपके साथ थे। लूत अलैहिस्सलाम आपके भतीजे थे, उनके वालिद का नाम हारान था। ये बचपन ही से सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जेर साया रहे, उन्हीं के यहाँ परवरिश पाई, इसलिए दीन हक फौरन कबूल कर लिया। जब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इराक से शाम की तरफ हिजरत की
तो ये आपके साथ थे। वहां से हरान गए, तब भी साथ थे। फिर मिस्र की तरफ हिजरत की तो भी लूत अलैहिस्सलाम उनके साथ थे। आखिरकार जब आपने मिस्र को भी खैरबाद कहा और फिलिस्तीन आ गए, तब भी ये साथ थे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो बस्ती सदूम की तरफ चले जाएं, इसलिए कि इस बस्ती के लोग कुफ्र की इंतहाई गहराई में जा चुके हैं। उन्हें कुफ्र और शिर्क से निकालने के लिए वहां जाएं, उन्हें अल्लाह के अहकाम सुनाएं, अल्लाह की तरफ दावत दें। चुनाचे लूत अलैहिस्सलाम तो उस तरफ रवाना हो गए और इधर फिलिस्तीन में सिर्फ तीन मुसलमान रह गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा सारा और सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम। वहीं रिहाइश पजीर रहे और लोगों को मुसलसल अल्लाह की तरफ दावत देते रहे। यहाँ ये बेशुमार मालो दौलत के भी मालिक बन गए। जब उनकी उम्र 85 या 86 साल हुई तो सारा अलैहिस्सलाम ने सोचा, मैं बांझ हूँ, मेरे खावन बूढ़े हैं, लेकिन औलाद की तमन्ना है, तो क्यों ना मैं अपनी लौंडी हाजरा हदीये और तोहफे के तौर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दे दूं। चुनाचे हाजरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिल गईं। उन्होंने उनसे शादी कर ली। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जल्द ही उनके वतन से आपको इस्माइल अलैहिस्सलाम अता फरमाए। हाजरा अलैहिस्सलाम के मां बनने पर और उनकी औलाद को देखकर सैयदा सारा अलैहिस्सलाम को फितरी तौर पर गैरत का एहसास हुआ। अल्लाह की कुदरत देखिए, खुद ही उन्हें हाजरा को तोहफे में दिया ताकि औलाद हासिल हो, और जब वो मां बन गईं तो अब गैरत महसूस कर रही हैं। अपनी इस कैफियत से मजबूर होकर सैयदा सारा ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, आप मुझे उसके साथ एक जगह पर न रखें। मुअर्रखीन और सीरत निगार लिखते हैं कि हाजरा अलैहिस्सलाम एक निताक पहना करती थी, यानी वो जिस्म के दरमियान एक लंबा कपड़ा लटका लेती थी ताकि वो कपड़ा घिसट घिसट कर कदमों के निशानात मिटा दे और सारा को नजर न आए, क्योंकि सारा गैरत की हद को पहुंच चुकी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब सारा अलैहिस्सलाम के अंदर गैरत के आसार देखे तो हाजरा को उनकी निगाहों से दूर कर दिया। उधर अल्लाह का हुक्म भी नाजिल हो गया कि अपनी बीवी हाजरा और दूध पीते बच्चे इस्माइल को साथ ले लें और मक्का की तरफ रुख कर लें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का की तरफ रवाना हुए, यहाँ तक कि मक्का पहुंच गए। ये जगह उस वक्त बिल्कुल वीरान और बेआबाद थी, न कोई इंसान था, न पानी, न नबातात के आसार थे, गरज कोई चीज नजर नहीं आती थी, बस पहाड़ों के दरमियान एक बेआबोगियाह मैदान था। यही वो मुकद्दस और तारीखी वादी थी जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी जौजा और लख्ते जिगर को छोड़कर वापस पलटे। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम को बहुत हैरत हुई। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि उनके खावंद उन्हें एक बेआबाद जगह तनहा छोड़कर चल देंगे। इस पर बच्चे की जिम्मेदारी अलग थी। चुनाचे उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आवाज दी, लेकिन उन्होंने मुड़कर भी न देखा। अब वो उनके पीछे आईं और करीब पहुंचकर बोली, ऐ इब्राहिम, हमें कहाँ छोड़े जा रहे हो? यहाँ न पानी, न खुराक, न कोई इंसान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर भी कोई जवाब न दिया, कोई परेशानी भी जाहिर न की और चलते रहे। सैयदा हाजरा भी आपके पीछे चलती रही और पूछती रही कि हमें किसके हवाले करके जा रहे हैं। यहाँ तो कोई भी जानदार नहीं, मुकम्मल तौर पर बेआबाद इलाका है, लेकिन उन्होंने अब भी कोई तवज्जो न दी। आखिर सैयदा हाजरा ने कहा, क्या आपको अल्लाह ने इस काम का हुक्म दिया है? अब आपने जवाब में फरमाया हाँ। तब सैयदा हाजरा बोली, अगर ये बात है तो अल्लाह ताला हरगिज हमें जाया नहीं होने देगा। जब इंसान अल्लाह के अहकाम को बजा लाए तो उसके दिल से फक्र फाके का खौफ निकल जाता है और अल्लाह उसे तरह तरह के इनामात से नवाजता है। इंसान जब तक अल्लाह के अहकाम को बजा लाता रहेगा, तब तक अल्लाह की नुसरत और उसकी ताईद शामिल हाल रहेगी। चुनाचे जूं ही हाजरा अलैहिस्सलाम को पता चला कि उन्हें तनहा छोड़ जाना अल्लाह के हुक्म की बिना पर है, तो फौरन यकीन भरे लहजे में बोली, तब अल्लाह हमें जाये नहीं करेगा। ये कहकर वो अपने शीरखार बच्चे की तरफ पलट गयी। खुराक और पानी चंद दिन में खत्म हो गए, पानी का एक कतरा पास न रहा। अब पानी की तलाश शुरू की, लेकिन अपने लिए तो दरकिनार, माँ को बेटे के लिए भी पानी न मिला
न खुराक। अब बच्चा लगा भूख से बिलकने, खुराक न मिलने की वजह से माँ का दूध भी खुश्क हो गया था। औरत कितनी भी बाहौसला हो अपने बच्चे को भूख से बिलकते नहीं देख सकती। अब उन्होंने बच्चे को वहीं छोड़ा और तेजी से करीबी पहाड़ी सफा की तरफ लपकी। ऊपर चढ़कर इधर उधर नजर दौड़ाई कि शायद किसी तरफ पानी या खुराक नजर आ जाए या किसी इंसान की झलक नजर आ जाए। जब कुछ नजर न आया तो नशेब की तरफ चली, साथ में बच्चे की तरफ भी देखती जाती थी। नशेब में पहुंची तो बच्चा नजरों से ओझल हो गया। इस पर और बेचैन हुई और बुलंदी की तरफ दौड़ी। इस तरह मरवा पहाड़ी पर चढ़ गई। वहां भी चारों तरफ निगाह दौड़ाई लेकिन कुछ नजर न आया। ख्याल आया कि फिर कोशिश करनी चाहिए। इस ख्याल से मरवा पहाड़ी से उतरी और सफा की तरफ चल दी। दरमियान में नशेब की वजह से बच्चा नजर न आया तो दौड़ने लगी। इस तरह फिर सफा पर चढ़ गई। अल्लाह अकबर, एक तो औरत जात कमजोर, फिर भूख प्यास से निढाल। इस पर किस कदर सही और कोशिश में मसरूफ, वो भी अपने बच्चे के लिए। बहरहाल बार बार कोशिश के ख्याल से उन्होंने सफा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर लगाए। यही वजह है मुसलमान आजमीन हज सफा और मरवा के दरमियान सही करते हैं ताकि इस वाकये की याद ताजा हो जाए। जब वो आखिरी मर्तबा मरवा पर पहुंची तो उन्होंने एक आवाज सुनी। ये आवाज इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब से आई थी। उन्होंने पूरी तवज्जो से आवाज को सुनने की कोशिश की और जल्दी से इस्माइल के करीब पहुंची। क्या देखती हैं? इस्माइल के कदमों के नीचे से पानी फूट रहा है, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इस साबिरा खातून की मदद के लिए भेजा था। उन्होंने जमजम वाली जगह पर अपना पर मारा तो इस्माइल के कदमों के पास से एक अजीम चश्मा रहमत नमूदार हुआ। मुस्तकबिल के पैगंबर के कदमों के नीचे से अल्लाह ने जिब्रील फरिश्ते के जरिए जमीन फाड़कर पानी निकाल दिया। यही आबे जमजम का आगाज था। हाजरा अलैहिस्सलाम पानी को आंखें फाड़ फाड़ कर हैरत से देख रही थी। उनकी खुशी की इंतहा न रही जब उन्होंने देखा पानी फूट फूट कर चारों तरफ बह रहा है। जमीन हमवार थी इसलिए उन्होंने जमीन को खोदना शुरू कर दिया ताकि पानी इधर उधर न बह जाए। फिर उन्होंने उस गढ़े के चारों तरफ पत्थर रख दिए और जुबान से बोली, जम जम, इसका मतलब है रुक जा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रहिमल्लाहु उम्म इस्माईल लौला अन्नहा अजलत लकानत जमजम अईनम मईना। अल्लाह इस्माइल की वालिदा पर रहम फरमाए, अगर वो जल्दबाजी से काम न लेती तो जमजम एक बहने वाला चश्मा होता। लेकिन उन्होंने इसके गिर्द बंद बांध दिया। उन्हें दरअसल उस वक्त पानी की शदीद जरूरत थी, इसलिए उन्होंने पानी को अपने पास जमा कर लिया ताकि बहकर जाय न हो जाए। उन्होंने इस्माइल को पानी पिलाया, खुद भी खूब पिया, और ये अल्लाह ताला की तरफ से उनकी मेहमान नवाजी थी। वहाँ कोई और इंसान नहीं था, ना खाने की कोई चीज थी, बस यही आबे जमजम उनके लिए खाने और पीने का काम दे रहा था। अब चूंकि जमजम एक चश्मा बन गया था इसलिए परिंदे भी आने लगे। उन्हीं दिनों अरब के कबीलों में से एक कबीला बनू जुरहुम यमन को खैरबाद कहकर इस तरफ आ रहा था। यमन में एक बहुत बड़ा डैम था। पहाड़ों के दरमियान उन्होंने पानी को रोक कर एक बहुत बड़ा बंद कायम कर रखा था। उससे पूरा साल आसानी से खेती बाड़ी करते थे। इस डैम की बदौलत उनका आबपाशी का निजाम बहुत अच्छा था। जब उस डैम को अल्लाह ताला ने तोड़ा तो तमाम लोग वहां से मुंतशिर हो गए और जजीरे अरब के अतराफ में मुंतकिल होने लगे। वहीं से हिजरत करने वाला एक कबीला बनू जुरहुम था। ये लोग बुनियादी तौर पर अरब थे। ये कबीला सफर में रहता, जहाँ कहीं पानी और चिरागाह नजर आते वहीं पड़ाव डाल देते। जब वहाँ खुराक खत्म हो जाती तो आगे सफर शुरू कर देते। चूंकि वो बहुत बड़े ताजिर थे इस बिना पर उन रास्तों से खूब वाकिफ थे। उन्हें चश्मों का खूब इल्म था। मुल्क के शाम की तरफ भी उनकी आमदो रफ्त थी। ये कबीला बनू जुरहम मक्का के करीब पहुंचा तो फिजा में परिंदों को मंडलाते पाया। कहने लगे, इन परिंदों की मौजूदगी में जरूर कोई राज है। अब उन्होंने अपने कुछ आदमी उस तरफ भेजे। ये लोग जल्द ही चश्मे तक पहुंच गए।
उन्होंने वहां एक औरत और उसके बच्चे को पाया। फिर वो लोग उनके पास आए, वहां पड़ाव डालने की इजाजत मांगी। सैयदा हाजरा ने फरमाया, ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें उजरत अदा करना होगी। उनके लिए यह सस्ता सौदा था, उनके पूरे कबीले को सामान जिंदगी मिल रहा था, जबकि सिर्फ एक औरत और उसके बेटे की जिम्मेदारी उन पर आयद हो रही थी। उन्होंने फौरन हामी भर ली और वहां रिहायश इख्तियार कर ली। इस तरह ये लोग सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम की मईशत का जरिया बन गए और इस तरह सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम बनू जुरहुम में परवरिश पाते रहे। उन्होंने उन लोगों से अरबी सीख ली और उनसे भी ज्यादा अरबी दान बन गए, फसाहत और बलागत से अरबी में बातचीत करने लगे। फिर उनकी इस कबीले में शादी हो गई, उनकी औलाद से अरब कौम का आगाज हुआ। इन्हीं में से सरवर कायनात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। बनू जुरहुम की आमद और आबादी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा थी। जब उन्होंने अपनी बीवी और बच्चे यानी दो कमजोर इंसानों को इस वीरान जगह छोड़ा था तो ये दुआ मांगी थी, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم। ए हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेआबाद जंगल में तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसाई है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या उस वक्त बैतुल्लाह की तामीर हो चुकी थी। दुरुस्त बात यह है कि उस वक्त खाना काबा की तामीर नहीं हुई थी। फिर सवाल पैदा होता है कि क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले इसकी तामीर हो चुकी थी या सिर्फ जगह ही मारूफ थी। इस बारे में दो तरह की रिवायात है। बाज में आता है कि सिर्फ इसकी जगह मारूफ थी और बाज में है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले शीस अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर किया था और वो गर्दिशे अय्याम के साथ साथ मुनहदिम होकर खत्म हो गया। लेकिन बहरहाल इसकी जगह मालूम थी और वही पहला घर था, जैसा कि अल्लाह ने खबर दी है। إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين। अल्लाह ताला ने पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया था वही है जो मक्का में है और वो पूरी दुनिया के लिए बरकत और हिदायत वाला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी थी, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون। اے ہمارے پروردگار, मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेखेती के जंगल में तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसाई है। ऐ हमारे परवरदिगार, ये इसलिए कि वो नमाज कायम करें, पस तू कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों की रोजियां अता फरमा ताकि ये शुक्रगुजारी करें। दिन गुजरते रहे और इस्माइल अलैहिस्सलाम बनू जुरहुम के माहौल में उम्र की मंजिलें तय करते रहे और वो होश संभालने के करीब हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर साल एक दो बार अपने घराने की देखभाल के लिए चक्कर लगाते थे। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने होश संभाला तो एक बार फिर एक अजीम आजमाइश का वक्त आ गया। हुआ यूं कि एक मर्तबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ लाए, एक जगह आराम के लिए बैठे कि नींद की वादी में पहुंच गए। नींद में उन्होंने ख्वाब देखा कि अपने लख्ते जिगर को अपने हाथ से जबा कर रहे हैं, साथ ही आंख खुल गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अंबियाए किराम के ख्वाब हकीकत होते हैं।
अल्लाह की तरफ से वही होते हैं और शैतान किसी सूरत उनके ख्वाब में नहीं आ सकता। लिहाजा उन्होंने इस ख्वाब के मुताबिक अमल करने का पुख्ता इरादा कर लिया, किसी किस्म की परेशानी का शिकार न हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस अजीम और ताज्जुब खेज वाक़े का कुरान मजीद में जिक्र करते हुए फरमाया, وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى। اور ابراہیم نے کہا، میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب، मुझे नेक बख्त औलाद अता फरमा। तो हमने एक बुर्दबार बच्चे की बशारत दी, फिर जब बच्चा इतनी उम्र को पहुंचा कि उसके साथ चलने फिरने लगा तो इब्राहिम ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, अब तू बता तेरी क्या राय है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से मशवरा क्यों लिया, वो चाहते तो इस्माइल को सोते में ज़बह कर देते, इस तरह अल्लाह का हुक्म बजा लाते, वो बेटे के पास क्यों गए और उनसे मशवरा क्यों लिया। जी हाँ, ये मसला याद रखने के काबिल है कि हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो अपने दूसरे मुसलमान भाई को अजर व सवाब में शामिल करने की कोशिश करे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को सवाब में शामिल करने के लिए उन्हें अल्लाह के हुक्म से आगाह किया, ये ना चाहा कि मैं अकेला ही अजर लेता रहूं, बल्कि दूसरे की खैरखाही को पेश नजर रखा। वालिदैन के लिए आपके इस अंदाज में नसीहत मौजूद है, ये कि औलाद को सवाब के मौके फराहम करें, उनकी सही तरबियत करें, अगर सदका करने का मौका मिले तो बच्चों के जरिए सदका कराएं, ताकि उन्हें भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की आदत पड़े। जब किसी दीनी मजलिस में बैठने का मौका मिले तो अपनी औलाद को भी साथ लेकर जाएं। बेशुमार लोग खुद तो जाते हैं, औलाद को जाने के लिए कहते भी नहीं, खुद दीन सीखते हैं, औलाद को दीन नहीं सिखाते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से राय ली। सुभान अल्लाह, उन्होंने जवाब में फरमाया, ए अब्बाजान, आपको जो हुक्म मिला है कर गुजरिए। ये नहीं कहा कि मुझे तो हुक्म नहीं हुआ, बल्कि फौरन सरे तस्लीम खम कर दिया, इसलिए कि वो जानते थे अंबिया का ख्वाब हकीकत पर मबनी होता है, अल्लाह की वही होता है, इसलिए बिल्कुल परेशानी जाहिर न की, ये तक न पूछा मुझे क्यों जबह कर रहे हैं, या मेरा क्या जुर्म है, या आपके पास कौन सा सरीह हुक्म आया है। उन्होंने ऐसी कोई बात न कही, अल्लाह की फरमा बरदारी इसी को कहते हैं। चुनाचे अपने बाप से कहा, या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशा अल्लाह मिनस्साबिरीन। ए अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है उसको कर गुजरिए, इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। उलमाए किराम फरमाते हैं, इस जुमले से उनका इंतहाई अदब और एहतराम शामिल है, और इसमें जबरदस्त तवक्कुल मौजूद है। ये नहीं कहा कि आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, बल्कि आपने अल्लाह की मशीयत को जुमले में शामिल किया और फरमाया, इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। लिहाजा मुसलमानों को धोखे में नहीं पड़ना चाहिए, ये न कहे मैं सफर करूंगा, मैं फुलां काम करूंगा, मैं फुलां काम के करने की ताकत रखता हूं, बल्कि यूं कहे, अल्लाह ने चाहा तो मैं सफर करूंगा, अल्लाह ने चाहा तो फुलां काम करूंगा। अपने इल्म और ताकत के धोखे में पड़ना सरासर नादानी है। हर चीज का ताल्लुक अल्लाह से कायम करे, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, لشيء إني
ذلك غدا إلا أن يشاء الله اور ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے سجا کر رکھو اور ہمیشہ اپنے معاملات کو اللہ کی طرف لوٹاؤ بہرحال باپ بیٹا دونوں ہی مصمم ارادے کے ساتھ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پیش ہو گئے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو میری پیشانی کو زمین پر رکھ دیجئے گا تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آئے اور کہیں آپ کے ہاتھ رک نہ جائیں چہرہ دیکھ کر آپ پر شفقت پدری غالب نہ آ جائے اب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی پیشانی پکڑ کر زمین پر لٹا دیا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ جب دونوں مطیع ہو گئے اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا اب انہوں نے چھری پکڑی اور گردن پر چلا دی لیکن چھری نے گردن نہ کاٹی بالکل اسی طرح جیسے آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا تھا اس لیے کہ چھری میں کاٹنے کی طاقت اور آگ میں جلانے کی صلاحیت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی اللہ نے دونوں سے یہ طاقتیں سلب کر لیں اب ابراہیم زور لگا رہے ہیں ادھر اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں ابا جان جلدی کیجئے چھری چلائیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر یوں فرمایا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ جب وہ دونوں مطیع ہو گئے اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا اس مطیع ہونے سے مراد اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہے اب ظاہر ہے مطیع تو وہ پہلے بھی تھے لیکن یہاں اسلما یعنی مطیع ہونے سے مراد کامل اسلام ہے نہایت واضح اور حقیقی اسلام مراد ہے اس لیے کہ کامل اسلام وہی ہوتا ہے جس میں بغیر کسی تردد اور توقف کے اللہ کے امر اور نہیں کی تصدیق کی جائے یہ تھا حقیقی اسلام ہاں تو چھری چلتی رہی گلا نہ کٹا اس لیے کہ امتحان اور آزمائش کی تکمیل ہو چکی تھی یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ اللہ کا حکم نافذ کرنے میں دونوں پوری طرح کوشاں ہیں اللہ تعالیٰ بھی فرما برداری ہی کا صلہ عطا فرماتے ہیں چنانچہ آواز آئی قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء ہم نے اسے پکارا اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا یقیناً ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی تاریخ کا ایک عظیم ترین امتحان اور کڑی آزمائش دنیا کو آج بھی حیرت میں ڈال دیتی ہے کون ہے جو بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو جائے خاص طور پر اس صورت میں جب اولاد بھی اکلوتی ہو جس کی وجہ سے 86 سال کے بعد آنگن میں بہار آئی ہو پھر اس کی قربانی کا بھی واضح حکم نہیں دیا گیا تھا اشارتاً خواب میں رہنمائی کی گئی تھی آپ کہہ سکتے تھے یہ قتل اور سنگین جرم ہے کہہ سکتے تھے اپنے بیٹے کو کس جرم میں قتل کروں لیکن آپ نے بغیر کسی تعامل کے سر تسلیم خم کر دیا اور اس عظیم امتحان میں کامیاب ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى اور ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے وفاداری کی اس آیت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کس چیز میں وفاداری کی اس لیے کہ وہ تو ہر معاملے میں مکمل طور پر وفاداری کا مظاہرہ کر چکے تھے آگ میں ڈالے جانے والا معاملہ بیوی اور بچے کو لق و دق میدان میں چھوڑ آنے کا معاملہ پھر ذبح کا امتحان تعمیر بیت اللہ کی مشقت غرض ہر معاملے میں وفادار تھے حتیٰ کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں اس قدر وفادار کہ ابو زیفان کے لقب سے مشہور ہو گئے اس کا معنی ہے مہمان نواز کسی مہمان کو دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھائے بغیر ایک لقمہ نہیں کھاتے تھے
बाहर निकलते, मेहमान तलाश करते, फिर उसके साथ मिलकर खाना खाते। मेहमान न मिलता तो सख्त गमगीन हो जाते। इस तरह उन्होंने अल्लाह के हर हुक्म की पासदारी की। ज़बह वाले इस इम्तिहान का अल्लाह ने उन्हें क्या सिला दिया, अल्लाह फरमाते हैं, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ हमने उसे अजीम जबीहे का बदला अता किया। हाँ तो हम बता रहे थे छुरी ने गला न काटा। ऐसे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक आवाज सुनी। आवाज पीछे से आई थी। उन्होंने मुड़कर देखा, जिब्रील अलैहिस्सलाम नजर आए। वो आसमान से एक मेंढा लेकर आए थे, दुनिया के मेंढों में से नहीं बल्कि जन्नत का मेंढा लाए थे। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि वो मेंढा जन्नत में 40 साल तक चरता रहा। सफेद रंग, कुशादा आंखों, खूबसूरत सींगों वाला हसीन और जमील मेंढा था। बहरहाल ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफादारी का बदला था जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिये में दिया गया और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए हुक्म हो गया कि अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी और हदी पेश करते रहें। काबे के पास हरम इलाही में हर साल ये सुन्नत अदा की जाती है और इनके साथ साथ पूरी जमीन के तमाम खित्तों पर बसने वाले मुसलमान भी इस अजीम फरमाबरदारी की अलामत के तौर पर कुर्बानियां पेश करते हैं। मेंढे के जिक्र का मतलब ये है कि हम सुन्नत इब्राहिमी पर गामजन हो जाएं। ये मेंढा हमें अल्लाह के लिए कुर्बानी का सबक देता है। हमें चाहिए सुन्नत इब्राहिमी की इक्तिदा करते हुए हम अपनी जानों, अपनी औलाद और अपने मालों को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين اور ہم نے اسے عظیم ذبیحہ عطا کیا اور ہم نے اس کا پچھلوں میں ذکر خیر چھوڑا سلامتی ہو ابراہیم پر इसी तरह ही हम नेकोकारों को जजा देते हैं। यकीनन वो हमारे मुखलिस बंदों में से था। और इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं, وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ और हमने उसे नेकोकार नबी इसहाक की वलादत की खुशखबरी सुनाई। ये खुशखबरी फिलिस्तीन की तरफ वापस लौटने के बाद सुनाई गई। एक इकलौते बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाने के सिले में और सारा अलैहिस्सलाम की अजमत और तकरीम के मद्देनजर अल्लाह ताला ने इस हाक की खुशखबरी सुना दी। ये आयत जबह के वाक़े के बाद अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाई है, इसलिए मालूम हुआ पिछली आयात में इस हाक के अलावा किसी और बेटे का जिक्र हुआ है और वो इस्माइल अलैहिस्सलाम ही थे, जबकि यहूदी रिवायात में इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़बीह करार दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। ज़बह के वाक़े के बाद इसहाक अलैहिस्सलाम की बिशारत मिल रही है, फिर भला वो पैदा होने से पहले ही ज़बीह कैसे बन गए। इसलिए ये कतई बात है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ही ज़बीह है। इसके कई और भी दलायल है जिनके जिक्र करने का यहाँ मौका नहीं। बहरहाल इस अजीम आजमाइश में बेमिसाल कामयाबी के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन आए और 120 साल की उम्र में इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत मिली, जबकि सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल थी। उन पर बुढ़ापा तारी हो चुका था। ऐसे में तीन फरिश्ते आए। वो तो कौम लूत की तबाही के लिए आए थे। रास्ते में अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया सारा को खुशखबरी सुनाई और इस गरज के लिए वो इंसानी शक्ल में आए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो पहले ही बहुत मेहमान नवाज थे। उन्हें देखकर बहुत खुश हुए कि मेहमान आ गए। फरिश्तों ने उन्हें सलाम किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया। वो हैरत ज़दा थे कि ये लोग उनकी बस्ती के रहने वाले तो हैं नहीं, लेकिन उन पर सफर के निशानात भी नहीं है, जैसा कि दूर से चलकर आने वालों में होते हैं।
न उनके पास सवारियां हैं। कुरान मजीद में आता है, قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ। फरिश्तों ने सलाम किया तो इब्राहिम ने भी सलाम किया और दिल में ख्याल किया ये अजनबी लोग हैं। फिर वो अपनी मेहमान नवाजी की आदत के मुताबिक उन्हें अंदर ले आए, उनके लिए खाने का इंतजाम किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ। हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहिम के पास खुशखबरी लेकर आए तो उन्होंने सलाम किया। इब्राहिम ने सलाम का जवाब दिया और फौरन भुना हुआ बछड़ा ले आए और बछड़ा भी मोटा था। उनके सामने खाना पेश किया लेकिन वो भला कब खाने की तरफ हाथ बढ़ाने वाले थे। ये देखकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खौफ महसूस किया कि कहीं ये दुश्मन न हो। उस वक्त फरिश्तों ने कहा, قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ। इब्राहिम न डर, हम तो कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। जब उन्होंने ये बातें की तो सारा अलैहिस्सलाम पास खड़ी थी, वो हंसने लगी। वो खुश खबरी से पहले क्यों हंस पड़ी? उलमा इस बारे में कहते हैं कि जब उन्होंने सुना ये फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को तबाह करने जा रहे हैं तो उनके खात्मे की खबर सुनकर वो हंसती। इसके बाद फरिश्तों ने ये खुशखबरी सुनाई, فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ। हमने उसे इसहाक की पैदाइश की खुशखबरी दी और इसहाक के बाद याकूब पोते की भी खुशखबरी दी। बहुत जल्द ही हम इसहाक से तेरी वीरान गोद को आबाद करेंगे और तू अपनी जिंदगी में उसके बेटे याकूब को भी देख लेगी। अब तीन बिशारतें जमा हो गईं। बेटा पैदा होगा, लंबी उम्र मिलेगी यानी बेटा जवान होगा, और फिर वो अपने पोते को भी देखेगी। इससे बढ़कर क्या इज्जत और तकरीम हो सकती है? इसलिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, करीम यानी इज्जत वाला कौन है, तो आपने फरमाया, करीम बिन करीम बिन करीम बिन करीम यानी यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मतलब ये कि नबी बिन नबी बिन नबी बिन नबी। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान है कि खुद भी करीम, बाप भी करीम, दादा भी करीम और परदादा भी करीम। इससे बढ़कर इज्जत अफजाई क्या हो सकती है? बहरहाल फरिश्तों ने उन्हें खुशखबरी दी। وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ। फिर उन्होंने इब्राहिम को एक साहिब इल्म लड़के की बशारत दी। खुशखबरी सुनकर सैयदा सारा हैरान हुई, मारे हैरत के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उन्होंने अपने रुखसार पर हाथ मारा जैसा कि औरतों की आदत होती है, कहने लगी, हाय अफसोस, क्या मैं बच्चा जनूंगी, हालांकि मैं बांझ हूँ और मेरे खावंद बूढ़े हैं। ये तो हैरत की बात है। एक दूसरी जगह अल्लाह ताला ने ये अल्फाज फरमाए, कहने लगी, मैं बूढ़ी और बांझ हूँ, भला मैं बच्चे को कैसे जन्म दूंगी। इस पर फरिश्तों ने कहा, तू अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करती है, ऐ अहले बैत, ये तो अल्लाह की तुम पर रहमत और बरकत है, वो बहुत बुजुर्ग और काबिल तारीफ है। दूसरी आयत में है, उन्होंने कहा, इसी तरह तेरे रब ने फैसला किया है और हमें कहा है, यकीनन वो बहुत हिकमत वाला है और इल्म रखने वाला है। ये थी इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्के में सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए आते रहते थे। एक रोज आए तो उनसे कहा, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि इस मकाम पर अल्लाह का घर तामीर करना। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, मैं हाजिर हूँ। इस तरह उन्होंने खुदाई शुरू की। ऐसे में उन्हें शीस अलैहिस्सलाम की तामीर के आसार नजर आए।
उन्होंने उस पर तामीर शुरू कर दी। एक रिवायत में ये भी है कि उन्होंने फरिश्तों वाली बुनियादों के आसार भी देखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के दिनों में जब मक्के के कुरैश ने काबे की तामीर नए सिरे से की तो उन्होंने उसकी बुनियादों को गहरा करना चाहा। वो खुदाई करते उन सब्ज पत्थरों तक पहुंच गए जो पहाड़ों की चोटियों की तरह नजर आ रहे थे। उन्होंने उन पत्थरों को निकालना चाहा। एक शख्स ने कुदाल के जरिए एक पत्थर को बाहर निकाला तो उसके नीचे से इतना नूर निकलने लगा कि करीब था वो शख्स अंधा हो जाता। फिर पत्थर खुद ब खुद नीचे जा गिरा और अपनी जगह पर जम गया। इसके बाद लोगों ने उन पत्थरों को हाथ न लगाया और तामीर शुरू कर दी। कुरान मजीद में तामीर काबा और बैतुल्लाह का तस्किरा इस तरह आया है। وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ। और जब हमने बैतुल्लाह के मकान में इब्राहिम को जगह दी और फरमाया कि मेरे साथ शिर्क न करना और मेरे घर को तवाफ क्याम और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए पाक रखना और फरमाया इन अव्वल बैत वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक إبراهيم ومن دخله كان آمنا। बेशक लोगों के लिए जो पहला घर तामीर किया गया है वो मक्का में है। वो जहान वालों के लिए बरकत और हिदायत का जरिया है। उसमें वाज़े निशानियां हैं, मसलन मकाम इब्राहिम, तो जो कोई हरम में दाखिल होगा वो अमन में आ जाएगा। और फरमाया और याद करो उस वक्त को जब इब्राहिम को उसके परवरदिगार ने कई बातों के जरिए आजमाया, वो उनमें पूरे उतरे तो अल्लाह ने फरमाया मैं आपको तमाम लोगों का इमाम बना रहा हूँ। इब्राहिम ने कहा ऐ मेरे रब मेरी औलाद में से भी इमाम बनाइए। जवाब में अल्लाह ने फरमाया मेरा इमामत का वादा जालिम लोगों के लिए नहीं है। और उस वक्त को याद करो जब हमने बैतुल्लाह को सवाब और अम की जगह बना दिया और लोगों ने मकाम इब्राहिम को जाए नमाज बना लिया। हमने इब्राहिम को हुक्म दिया कि मेरे घर को तवाफ एतिकाफ रुकू और सुजूद के लिए पाक रखो। और वो वक्त भी याद रखो जब इब्राहिम ने दुआ की ऐ परवरदिगार इस शहर को अमन वाला बना दे और इसके मोमिन बंदों को फलों का रिस्क अता कर। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं काफिरों को भी थोड़ा फायदा दूंगा फिर उन्हें आग के अजाब की तरफ बेबस कर दूंगा। ये पहुंचने की जगह बुरी है। और वो वक्त याद करो जब इब्राहिम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादों को बुलंद कर रहे थे और दुआ मांग रहे थे ऐ हमारे रब हमारी मेहनत को कबूल फरमा तू दुआ को सुनने वाला जानने वाला है और हमें अपना फरमा बरदार बना। हमारी औलाद में से भी एक फरमा बरदार गुरोह बना और हमें इबादत का तरीका सिखा और हम पर रुजू फरमा क्योंकि तू ही तौबा कबूल करने और राह फरमाने वाला है। ऐ हमारे रब इन लोगों में इन्हीं में से एक रसूल भेज जो इन पर तेरी आयात की तिलावत करे और इन्हें किताब व हिकमत सिखाए इन्हें पाक करे यकीनन तू गालिब हिकमत वाला है। तामीर के दौरान जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मकाम तक पहुंचे जहां आज हजर अस्वद है तो अल्लाह ताला ने जन्नत से एक सफेद पत्थर भेजा। हदीस में है ये पत्थर निहायत सफेद था अब स्याह हो गया है। इंसानों की गलतियां इसके स्याह होने का सबब बनी। जब दीवारें इंसानी कद के बराबर हो गईं तो इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर ले आए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े हुए। वो नंगे पांव थे। उसी वक्त पत्थर पिघल गया। उनके पांव उसके अंदर किसी कदर धंस गए। पत्थर पर उनके पैरों के निशानात आ गए। इसी पत्थर को आज मकाम इब्राहिम कहा जाता है।
पहले ये पत्थर बैतुल्लाह की दीवारों के साथ रखा गया था। जब लोग तवाफ के लिए आते तो सैयदना इब्राहिम के पैरों के निशानात देखने के लिए यहाँ हुजूम हो जाता। इस तरह तवाफ करने वालों को दिक्कत का सामना होता। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने सहाबा किराम के मशवरे से इस पत्थर को इस जगह से कदरे हटाकर नमाज की सफों के करीब कर दिया ताकि तवाफ करने वालों को दिक्कत न हो। ये मकाम बहुत मुकद्दस है। अल्लाह ने फरमाया है, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ مقام ابراہیم کے قریب اس کے پیچھے ہو کر نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو لازمًا وہاں دو رکعت ادا کیا کرو، موقع نہ ملے تو پھر پوری مسجد حرام میں طواف سے فراغت والی دو رکعت پڑھ لیا کرو۔ اس طرح کعبہ تعمیر ہوا تب نیا حکم آیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں میں جو استطاعت رکھے اس پر اللہ کے لیے حج بیت اللہ فرض ہے، اور جو شخص جان بوجھ کر اعراض کرے تو اللہ جہانوں سے بے نیاز ہے اور اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی کی طرف سے اشارہ ہوا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اللہ میری آواز بھلا کس کس تک پہنچے گی؟ جواب آیا، آپ کے ذمے آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ آپ عرفات کے ایک پہاڑ پر چڑھے اور آواز لگائی، لوگو بیت الحرام کا حج کرو۔ اللہ تعالی نے معجزانہ طور پر یہ آواز تمام انسانوں تک پہنچا دی، خواہ وہ پیدا ہوئے تھے یا نہیں۔ دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ اللہ نے بیت اللہ اور اس کے حج کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ اللہ نے فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، وہ آپ کی طرف پیدل بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دور سے آئیں گے۔ اس طرح لوگ پیدل اور سوار ہو کر کثرت سے حج کے لیے آنے لگے اور یہ ویران علاقہ آباد ہونے لگا۔ یہ تھے حالات اور واقعات ابراہیم علیہ السلام کے۔ آپ نے 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ سے پہلے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے وفات پائی، اور ان کی وفات سے کچھ ہی عرصہ بعد سیدہ سارہ علیہ السلام 127 سال کی عمر میں فوت ہو گئیں۔ ان دونوں کی وفات کے بعد آپ غمگین رہنے لگے۔ آخر اتنی مدت تک ساتھ رہا تھا، آپ خلیل الرحمن تھے، آپ پر صحیفے بھی نازل ہوئے، آپ اللہ کے بے حد شکر گزار تھے۔